हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने न्यू लैपटॉप लिया है, नोकिया प्योर बुक S14। ओके, सो अगर आप लोग भी एक न्यू लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और आपका बजट है 14,000 से कम, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके फीचर्स, इसके बिल्ड क्वालिटी, स्मूथ चलता है लैग करता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसके प्राइस भी। ओके, तो सबसे पहले इसका नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग देख लो, मेरा फ्रेंड ने बनाया जब इसको रिसीव हुआ था, तो कुछ इस तरह का थैली में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कुछ खासा एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अनबॉक्सिंग। हालांकि चार्जर वार्जर दिखाए नहीं, जो कि दिखाने की जरूरत भी नहीं, हर क्लोज लुक में आप लोगों को दिखाऊंगा, हर एंगल से क्लोज लुक भी आपको इस लैपटॉप का दिखाऊंगा, तो चिंता की कोई भी बात नहीं आगे। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी का। इस बिल्ड क्वालिटी है ना, बहुत ही मस्त है इसका। ओके, और कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और ऊपर से आपका ब्रांड नेम मिल जाएगा नोकिया, जो कि हर कोई इंडिया भरोसा करता है नोकिया में। ओके, बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो इस रेंज जो 40,000 के रेंज में जो लैपटॉप्स आते हैं ना, किसी में फीचर्स अच्छे होते हैं तो फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं होते, किसी में बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है उसमें फीचर्स नहीं होता, तो ये चीज होता है। लेकिन इस नोकिया वाले लैपटॉप में आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगा और साथ ही साथ फीचर्स भी अच्छे मिल जाएंगे, वो भी 40,000 के कम के प्राइस में। ओके, सो अब बात करते हैं फीचर्स। तो i5 आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी 11 Gen। इसके अलावा 16 GB आपको रैम मिल जाएगा, रैम भी काफी अच्छा है, फास्ट है। ओके, इसके अलावा 512 GB आपको SSD मिलेगा, यकीन मानो SSD मिल रहा है, यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं दे रहे, तो आपका लैपटॉप नो डाउट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला। ओके, इसके अलावा 14 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि HD है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, तो कॉम्पैक्ट छोटा सा लैपटॉप, कॉम्पैक्ट नहीं कहूँगा लेकिन मतलब लाइक काफ़ी अच्छा लगता है डिस्प्ले, मतलब कलर्स जो है ना काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, आइकॉन्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। ओके, इसका अगर वजन की बात करें तो गाइस 1.4 kg है, तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट है। ओके, ठीक ठाक है। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको ज़रूर लेना चाहिए। फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस जो है ना गाइस वो है 41,000 का, लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, तो मेरा फ्रेंड ने ये 39,000 का लिया है, यकीन नहीं आता, तो साइट में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से इसने बाय किया 39,200 में के अराउंड में लिया। ओके, तो आप भी अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो ज़रूर आप ये लैपटॉप लीजिए, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से रिव्यू लेता रह रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि इसको एक महीने हो गया लैपटॉप को चलाते हुए, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, मतलब पुराना शूट किया हुआ, तो एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको रेगुलरली पूछता रहता हूँ लैपटॉप चलाने में कैसा है, तो वो बोल रहा है बहुत ही अच्छा। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप भी इसमें बहुत अच्छा है, मैं उसको रिव्यू मतलब पूछता रहता हूँ, बैटरी बैकअप भी अच्छा उसको मिलता है, और कोई भी वो जो बेसिक सॉफ्टवेयर वगैरह खोलता है तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लैग नहीं कर रहा, तो क्रोम में भी 3-4 टैब खोल के मतलब चलाता है तो भी उसमें लाइक किसी प्रकार का लैग नहीं होता। तो गाइस कुल मिला के अगर आप 40,000 के रेंज में कोई लैपटॉप लेने की सोच रहे हो गाइस, तो ये लैपटॉप आपको जरूर 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 लेना चाहिए दूसरों से अच्छा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक तो ब्रांड नेम मिल जाएगा नोकिया। ओके, हर किसी को बोलोगे कि नोकिया का है तो ऑब्वियसली वो सोचेगा अच्छा ही होगा, और बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छे मिल रहे, और सारे फीचर्स जो है ना काफ़ी अपग्रेडेबल मिल रहे हैं यार, अपग्रेडेबल मतलब अपडेटेड मिल रहे, ऑब्वियसली i5 मिल रहा है, कोई इसी रेंज में i3 देता है, ये i5 दे रहा है, वो भी 11 Gen, इसके अलावा 512 GB आपको SSD मिल रहा है। ओके, तो ज़रूर गाइस अगर आप लोग मेरे से पूछते हो कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो 40,000 के रेंज में ये लैपटॉप ज़रूर ट्राई कीजिए, मतलब ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से पूछता रहता हूँ और उसको अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आया और मस्त ये लैपटॉप चल रहा है। ओके, तो अगर आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस लैपटॉप से रिलेटेड, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके गाइस, और इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, मैं आपको फ्यूचर में टेक रिलेटेड वीडियोस देता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।